मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आने के बाद नगरों कस्बों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक में अलग अलग चर्चाएं जारी हैं। कोई इसे संतोषजनक बजट बता रहा है तो किसी का कहना है कि बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, ज्यादा फोकस महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। लोगों का मानना है कि पीएम आवास और लखपति दीदी जैसी योजनाएं लोगों को प्रभावित करने वाली है। आई इंडिया के सकरण संवाददाता विनय अवस्थी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट पर पेस्टिसाइड व्यवसायी अरुण मिश्रा, सहज जनसेवा केंद्र संचालक रोहित वर्मा और शिक्षक कमलाकांत अवस्थी से उनकी राय जानी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। सकरण से मैं विनय अवस्थी। कल लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जो पेश किया, लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें थी, आम जन इस बजट को कैसे देख रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है और मैं पेस्टिसाइड व्यवसायी हूं। जहां तक कि मुझे जानकारी है, ये बजट फिलहाल तो संतोषजनक है और इसमें जो है महिलाओं को बहुत खास में ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें पीएम आवास योजना जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो लखपति दीदी जो योजना है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। और फिलहाल बजट संतोषप्रद है और हाँ, युवाओं के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ न कुछ ध्यान रखा होगा। युवाओं, किसानों और बेरोजगारों के लिए जो है कुछ न कुछ सरकार ने जरूर कुछ बना के रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो ये संतोषप्रद है बजट। अगर इसमें हाँ कुछ टैक्स वैक्स में छूट दी जाती तो और अच्छा होता, लेकिन अगर टैक्स में छूट दी जाती तो उसका दूसरा भी पहलू था कि उसमें जो है महंगाई बढ़ती और फिलहाल ठीक है। मेरा नाम रोहित वर्मा है। अंतिम बजट जो पेश किया गया है इससे काफ़ी कुछ उम्मीदें मुझे सुबह से थी, लेकिन बजट को महिलाओं और आवासविहीन लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है या बजट संतोषजनक बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लखपत दीदी बनाने की योजना रखी गई है। बजट पेश किया गया है, जब महिलाएं देश की सशक्त होंगी तो हर परिवार लाभान्वित होगा। रही बात बेरोजगारों की और किसानों की, इस बजट में कोई जगह फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन सरकार है कुछ योजनाएं उनकी और इसमें आगे कुछ करेंगे कर रही। बात रही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स को सामान रखा गया है, टैक्स में अगर छूट दी जाती है तो महंगाई बढ़ती है और भारत की जो TGP है इस समय बढ़ रही है उसमें रोक लग सकती है। शायद इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार यह बजट पेश किया गया है। बजट देश की तरक्की के लिए अच्छा है। लोकसभा BJP सरकार के द्वारा जो दूसरे कार्यकाल का जो अंतरिम बजट जिनको पेश किया गया है, ये काफ़ी लोगों के लिए संतोषजनक रहा है और इसमें कुछ योजनाएं आगे के लिए दी गई हैं, जिसमें 2 करोड़ आपका जो है पीएम आवास है और एक लखपति दीदी योजना के तहत जो है आगे महिलाएं जो होगी वो सशक्त होगी, इसके लिए लखपति दीदी योजना चलाई गई। दूसरा जो है इसमें इनकम टैक्स को जो है यथास्थित रखा गया है, जिससे कि महंगाई पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसे इसमें जो है लोग कहा गया है जो इसमें युवाओं के लिए और किसानों के लिए इसमें अभी कुछ प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है आगे युवाओं के लिए और किसानों के लिए कोई ना कोई योजना जरूर आएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।